प्रखंड का जखराज स्थान का मंदिर है, संकट मोचन मंदिर स्थान झाझा, जहाँ काफी श्रद्धालु आज शिव व्रत सुंदर के आज अपने महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए। बहुत सारी बच्चियां आई हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ है जो भगवान शिव की आराधना में पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे पुरुष श्रद्धालु भी आए हुए हैं। यहाँ दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश भोलेनाथ की पूजा में लीन है। आज महाशिवरात्रि पूरे देश में मनाया गया। ऐसे में जम्मू जिला का झाझा का एक छोटा सा मंदिर है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ यखराज स्थान, यहाँ भी दर्शकों की अपार भीड़ मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए आई हुई हैं। तमाम हमारे चैनल के दर्शकों को भी वीरेंद्र कुमार और पूरी टीम की तरफ से इस महापर्व शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें। दैनिक लैब 24 के लिए झाझा जम्मू से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जानना चाहेंगे यहां के जो पुजारी हैं, विकास जी युवा हैं और बहुत तन मन से यहां लगे हुए हैं। मैं बात कर रही क्या महिमा विकास जी के बारे में, ये जो भीड़ लगी है ये श्री बाबा यक्षराज स्थान मंदिर प्रांगण में लगी हुई है। महाशिवरात्रि महापर्व एक माना जाता है, यहाँ हरेक का मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे मन से श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना। आप लोग कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं पूजा करने? आप कहाँ से आई हैं? बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ उपस्थित है। दर्शकों, सबका इंटरव्यू लेना तो संभव नहीं है। यहाँ देखिए तन मन धन से लोग यहाँ बाबा भोलेनाथ की सेवा में पूजा अर्चना में सुबह से ही लोग लगे हुए। झाझा और जम्मू जिला में भी कई मंदिर हैं, लेकिन उस मंदिर में हमारा जखराज स्थान का मंदिर प्रकृति के गोद में बसा हुआ एकलौता मंदिर मैं कह सकता हूँ। फिर से एक बार दैनिक लैब 24 के लिए वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।